हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास फोर्थ साइंस एंड आवर चैप्टर इज फोर व्हाट आर अराउंड अस। बेटा, अब तक हमने तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, विद कंप्लीट एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स एंड असाइनमेंट एंड वर्कशीट ऑल्सो। ओके, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फोर व्हाट आर अराउंड अस। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम पानी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं, यूज करते हैं, वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है और कैसे बनता है, यानी कि वाटर साइकिल के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कहता है ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ नीड्स वाटर फॉर वेरियस पर्पस। क्या कहता है कि जो लिविंग बींग्स धरती पे, जो हमारे लिविंग बींग्स यानी कि जो जीव जंतु हैं, जो जीवित रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि पानी की ज़रूरत होती है उनको वेरियस पर्पज़, यानी कि बहुत सारे कामों में उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, और वो पानी में कहाँ कहाँ से मिलता है। वेल्स, कुआं, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झीलें, रिवर्स, नदियाँ एंड सोर, इन सबसे हमें पानी मिलता है, ठीक है। और हमारा क्या हो सकता है, जैसे सी, समुंदर हो गया, ओशन, महासागर, इन सबसे हमें पानी मिलता है। ऑल दीज वाटर बॉडीज आर फिल्ड बाय रेन, और ये जो वाटर बॉडी यानी कि जो पानी के सोर्सेज होते हैं, इनमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, बाय द रेन यानी कि बारिश से, ठीक है। जब बारिश आती है तो ये भर जाते हैं पानी से, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखिए जो मेन कंसेप्ट हमारा है वो है वाटर साइकिल, क्लियर। कहते हैं कि वाटर इन द ओशियन, सीज, रिवर एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर। जो पानी हमारा ओशंस मीन्स महासागर हो गया, सी, समुंदर, रिवर, नदी, तालाब, झीलें, ठीक है, इनमें जो पानी होता है वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन हीटेड बाय सन्स रे, यानी कि क्या कहते हैं कि बेटा जो हमारे बड़े बड़े ओशंस होते हैं, सीज, रिवर, पॉन्ड, लेक्स होते हैं, इनमें जो पानी होता है वो क्या होता है कि सन की जो रेज आती हैं, ठीक है, जो ही और उस सन रेज जो उनके ऊपर आती है तो वो हीट होकर पानी गर्म होकर क्या करता है, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पानी, ठीक है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो पानी। और फिर एज वाटर वेपर राइजेज, जब पानी हमारा जो वाटर वेपर थी हमारे, ठीक है, यानी कि जो पानी है वो सन रेज की वजह से हीट होकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड इट मिक्स विद एयर एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म द टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। और फिर ये जो वाटर वेपर होते हैं, ये जब ऊपर हवा एयर में कन्वर्ट, एयर के साथ मिक्स होकर ठंडे हो जाते हैं, और फिर ये क्या बन जाती हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। दिस टीनी ड्रॉपलेट क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड्स। फिर ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, क्लिंग मीन्स क्लोज, एक दूसरे के पास पास आ जाती है बिल्कुल, और क्या बन जाता है, उससे बादल बन जाते हैं। ओके, व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, जब बादल हो जाते हैं, द वाटर इन द फॉर्म कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और जो पानी है वो बारिश की फॉर्म में, हेल यानी कि जो ओले होते हैं, फ्रोस्ट, सन, स्नो, बर्फ, इसकी फॉर्म में क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, और ये जो बारिश होने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। रेन वाटर फ्लोज बैक इन टू द ओशन, सीज, रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स। और फिर जो रेन वाटर यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो किस में आके जमा हो जाता है, किस में फिल हो जाता है, ओशन, सीज, रिवर एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स। वंस अगेन द वाटर इवेपोरेट एंड देन साइकिल इज रिपीटेड, और फिर से इसी तरीके से सन रेज की वजह से पानी हीट होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर, और वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कंडेंस होकर बादल बन जाते हैं, और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन वाटर के फॉर्म में वो नीचे आ जाता है। दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो फिर वाटर साइकिल के अंदर हमें तीन कंसेप्ट याद रखने हैं, क्या क्या यूज हुआ हमारा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीन प्रोसेस होते हैं हमारे किसके अंदर, वाटर साइकिल के अंदर। ओके, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनको भी आप बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हाँ, आपको बस यही पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन जो वाटर साइकिल होता है उसमें तीन मेन जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन मीन्स क्या होता है कि जो हमारे वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर सोर्सेज जहाँ से हम पानी
यूज़ करते हैं वो पानी सनरेज की वजह से हीट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाता है, भाप की फॉर्म में ऊपर राइज होता है और एयर में कन्वर्ट होके कूल होकर और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके कंडेंस हो जाता है, बादल बन जाते हैं और फिर रेन वाटर के फॉर्म में वो नीचे आ जाती है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? तो जैसे इसका एक आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप समझ सकते हैं। इसको देखो बेटा, ये जो डायग्राम है इसमें देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, इवेपोरेशन, यानी कि ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये ओशियंस है हमारे पास और इनमें क्या होता है, पानी सनरेज, ये यहाँ से सनरेज आएंगी और ये हीट होगा, पानी हीट होके इवेपोरेट होके वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके बूंदे बन गए हमारी वाटर ड्रॉपलेट और ये एक साथ कनेक्ट क्लोज आ जाते हैं, क्लिंग हो जाती हैं और फिर कंडेंसेशन हो जाता है, बादल बन जाते हैं और फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हमारे पास, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। क्लियर? ये तीन आपको याद रखने। तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, कल हम इसके वाटर साइकिल के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ तक रीड आउट करना है 2-3 बार और ये जो तीन मेथड मैंने आपको बताए, तीन नेम, इनको आपको बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इनकी स्पेलिंग साथ में आपको लर्न कर लेना है, ठीक है बेटा? क्योंकि आप जब तीन प्रोसेस पूछे जाते हैं तो इनकी स्पेलिंग रॉन्ग आप कर देते हैं, तो आप अभी से अपनी स्पेलिंग को लर्न कर लेना इन तीनों की अच्छे से, ठीक है? तीन प्रोसेस जो हमारे वाटर साइकिल के अंदर यूज होते हैं। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।